हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। तो अभी तक आपने ड्राइंग बनाया था, ठीक है, ड्राइंग को ऑटोकैड में, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको इंस्टॉलेशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे एक डक्टेबल मशीन लगा हुआ है, ठीक है, ये ट्रेन कंपनी का है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये मशीन लगा हुआ है। मशीन का स्लोप कहाँ पे है, ये ड्रेन पैन का ये स्लोप इस साइड में है, क्योंकि यहाँ से ड्रेन कनेक्शन हुआ है और ड्रेन ये चला गया हमारा ये ऐसे टॉयलेट में, और यहाँ से जब निकला हुआ है पाइप, जब फाइनल यहाँ पे फ्लोरिंग होगा तब इस पाइप को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे ड्रेन से, ठीक है, फ्लोर ड्रेन से। उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन दिख रहा है। ये मशीन हो गया, मशीन के बाद ये फ्लेक्सिबल कनेक्शन दिख रहा है ब्लैक कलर का। उसके बाद एक रिड्यूसर लगा हुआ है मशीन के माउथ से ये डक्टिंग का। अब ये रिड्यूसर क्यों लगा है, क्योंकि मशीन का माउथ का साइज़ आप देख रहे हैं जैसे लगभग 1200 के आसपास है, और डक्टिंग साइज हमारा CFM के अकॉर्डिंग डिज़ाइन हुआ है तो कम आया हुआ है, तो यहाँ से रिड्यूस करके हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया इसको। और ये डक्टिंग के ऊपर इंसुलेशन हुआ है, एल्युमिनियम फॉयल वाला इंसुलेशन, और इंसुलेशन होने के बाद इसके ऊपर जो यूवी क्लॉथ होता है ना, उसको एडहेसिव से यहाँ पे लपेटा गया है सेफ्टी के लिए। उसके बाद ये डक्टिंग सपोर्ट है, डक्टिंग सपोर्ट यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं प्रॉपर सपोर्ट, सी चैनल एंगल जो लगा हुआ है 30x30 का। और ये डक्ट आया, डक्ट आने के बाद यहाँ से क्या किया कि एक एल्बो लगाया, एल्बो लगाने के बाद यहाँ से एक वाई ब्रांच हो गया, वाई ब्रांच एक इधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा है, और उसके बाद यहाँ से एक प्लेनम बॉक्स लगा हुआ है। आपको पता होगा प्लेनम बॉक्स क्या होता है, इस प्लेनम बॉक्स में क्या होगा, एयर इकट्ठा होगा यहाँ पे, मतलब इस प्लेनम बॉक्स के अंदर में आएगा एयर, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक डैम्पर भी लगा होता है इसके अंदर। तो अभी इस प्लेनम बॉक्स में एयर आ तो रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है, ये आ रहा है इस फ्लेक्सिबल डक्ट के वजह से। अब जो छोटे छोटे दो ब्रांच हम लोगों ने निकाला वाई ब्रांच के बाद, तो इसको कनेक्ट कर दिया प्लेनम बॉक्स से, ठीक है। अब जब यहाँ सीलिंग का काम वगैरह हो जाएगा तो यहाँ पर एक ग्रिल लग जाएगा, ग्रिल लग जाएगा तो हमें सिर्फ ग्रिल दिखेगा। तो फिर दूसरा मशीन का भी मैं, और इसका एक और प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, जब भी आप मशीन इंस्टॉलेशन करवाएं तो मेंटेनेंस के लिए ये मशीन के बैक से जो होता है ना, वो मिनिमम 300 होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 300 होना चाहिए। और यहाँ पे जो है जो फिल्टर का है, तो फिल्टर एक्सेस करने के लिए भी एक्सेस डोर वगैरह का प्रॉपर होना ज़रूरी है, क्योंकि मशीन तो एक बार लग जाएगा लेकिन उसको मेंटेनेंस करने के लिए हमें फ़िल्टर साफ़ करने के लिए एक्सेस बिल्कुल चाहिए रेगुलर। उसके बाद ये टॉयलेट हो गया, अभी टॉयलेट में एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो एग्जॉस्ट के लिए यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जो PVC पाइप आता है ना 110 mm का, तो PVC पाइप डाला है, उस PVC पाइप से यहाँ पे ये प्लेनम कनेक्टेड है, इस प्लेनम के नीचे हम लोग एक लीनियर ग्रिल डाल देंगे। वैसे ही यहाँ पे एक और मशीन लगा हुआ है डक्टेबल मशीन, यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये बैक से 300 mm स्पेस छोड़ा हुआ है, और फिल्टर एक्सेस करने के लिए यहाँ पे जगह है, यहाँ पे एक्सेस डोर वगैरह बन जाएगा। फिर वैसे ये ड्रेन पैन होता है, इसका ड्रेनेज का स्लोप वहाँ पे है, वो ड्रेन उस पाइप से होके हुए नियरेस्ट ड्रेन पॉइंट पर कनेक्टेड हो गया है। सेम वैसे ही ऐसे एक रिड्यूसर डाला, माउथ कनेक्शन, उसके बाद मेन डक्ट, उसके बाद यहाँ से जैसे थोड़ा सा CFM निकला, CFM निकलने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे डक्ट रिड्यूस हो गया, फिर थोड़ा सा स्ट्रेट डक्ट हमारा यहाँ पे है, फिर CFM यहाँ से हमारा निकला, दो ब्रांच यहाँ से निकल गए फ्लेक्सिबल डक्ट का, फिर यहाँ पे एक रिड्यूसर लगा, फिर स्ट्रेट डक्ट, फिर यहाँ से तीन ब्रांच हमने निकाल दिया, और एक पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रॉक्स 6 मीटर का क्या है, एक प्लेनम बॉक्स है, इस प्लेनम बॉक्स में एयर जो होगा इकट्ठा होगा, वहाँ से एक ग्रिल लग जाएगा जब फाइनल सीलिंग होगा तो, ठीक है ना। सेम ऐसे ही एक यहाँ पे मशीन है, ये भी मशीन वही है,
नॉर्मल देख लो, एक बैंड है, बैंड लगाने के बाद एक स्ट्रेट डक्ट है, स्ट्रेट डक्ट लगाने के बाद जैसे ही CFM कम हुआ ब्रांचों से एक रिड्यूसर लग जाता है, रिड्यूसर के बाद फिर स्ट्रेट डक्ट। तो डक्ट डिज़ाइन आपने किया हुआ है तो आपको पता ही होगा कि रिड्यूसर हम क्यों लगाते हैं, ठीक है। और ये प्लेनम आ गया हमारा। सो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।